नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और बेहतर और मस्त होंगे। इसी आशा के साथ आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के टॉप 13 क्वेश्चनों की, जो कि आगे आने वाला सीटेट हो या सुपर टेट हो, आपको जरूर यहाँ से प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि बाल मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर शिक्षक भर्ती में क्वेश्चनों को अपने आप में एक गुणवत्तापूर्ण क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और लाइक करें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस ध्येय वाक्य के साथ आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। तो जब आप प्रभावशाली टीचर हैं, एक अच्छे टीचर बनने के लिए आप हर बालक के संपर्क में रहेंगे, तभी तो आप जान पाएंगे कि उस बालक में क्या कमी है, क्या उन्नति हो रही, कैसे डेवलप्ड हो रहा है, उसका जो विकास है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है। उस चीज़ के लिए हमें प्रत्येक बालक के साथ संपर्क रखना होगा, तभी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पूरा कर पाएंगे। इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, तो जो शिक्षक की भूमिका होती है किसी भी, तो वो सीखने की विश्वसनीय स्थितियों को इकट्ठा करके वहाँ देगा, ताकि जो बालक है वो एक स्वतंत्र चिंतन की सुविधा उपलब्ध कराएगा, ताकि वो जो है अब सारी चिंतन को क्रिएट कर पाए, थिंकिंग एबिलिटी को प्रोड्यूस करेगा, जिससे बालक जो है उसमें तर्क चिंतन का विकास होगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है? तो जो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि होती है वह विधि कहलाती है जिसमें जो है अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास क्या हो सम्मिलित हो। अधिगमकर्ता तभी जो है अधिगम कर पाएगा जब वो स्वयं उस कार्य को करने के लिए उत्सुक होगा, स्वयं उस कार्य के लिए जागरूक होगा, तभी तो उस कार्य को सीख पाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं अधिगमकर्ता तभी कोई चीज़ सीख सकता है जब वो सीखने के लिए तत्पर हो। जब वो सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा तो वो सीख नहीं पाएगा। इसलिए सीखने के लिए अधिगमकर्ता को अपने स्वयं की पहल और प्रयास करना होगा। ए ऑप्शन एकदम सही है। अधिगम की बता दें, अधिगम तभी पूर्ण माना जाएगा जब उसका व्यवहार में अपने क्या किया जाए, व्यवहार में लागू किया जाए, तभी वो अधिगम पूर्ण होता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैड डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है, तो आनुवंशिक रचना और वातावरणीय प्रेरणा, ये दोनों का जो संयोजन है वही प्रतिभाशालिता को प्रस्तुत करता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता? तो दृष्टिबाधिता की जो समस्या है वो ठोकर लगने का भाई बिल्कुल सूचित करेगा। दूरी नहीं माप पाएगा, कैसे माप पाएगा जब उसे दिखाई ही नहीं देता। उदासीपन भी उसमें रहेगी, लेकिन दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या नहीं होगी। जैसे आप कोई चीज़ बता रहे हैं तो उस चीज़ को वो सुनेगा, उसका डायरेक्शन वो कर लेगा, भले ही उस चीज़ को वो छू कर ही महसूस करे ब्रेल लिपि के माध्यम से। इसलिए ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होता है, तो जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होता है उसमें जो होता है अपसारी चिंतन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अपसारी चिंतन मतलब खुला अंत, जिसमें जो है बच्चा जो है इसके जो सोचने का दायरा होता है उसका कोई सीमा नहीं होती, वो अनंत होती है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो जो बुद्धि और सृजनात्मकता है इनमें धनात्मक संबंध पाया जाता है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बुद्धि की बात सबसे पहले 1885 में इन्होंने ही की थी, जो सृजनात्मकता और सुजनन शास्त्र के जनक हैं, यानी कि गाल्टन महोदय ने बुद्धि की बात 1885 में की थी। फ्रांसिस गाल्टन जो सुजनन शास्त्र के भी जनक हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के भी जनक हैं, और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। इसी से रिलेटेड आप याद रखिएगा, जिसकी स्थापना एलन एक्टोविन ह्यूम एओ ह्यूम ने की थी, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। ये भी आप साथ ही साथ नोट रखिएगा माइंड में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहाँ पर जो है समस्या समाधान उसी विद्यालय में सफल होगी जहाँ का जो परिवर्तनशील और लचीला पाठ्यक्रम है। अब लचीला पाठ्यक्रम आप सोचेंगे कि मतलब जो है जो सब्जेक्ट हो वह लचीले तरीके से तैयार किया जाए, तो वैसा नहीं है। NCF में लचीला पाठ्यचर्या का मतलब ये है, मान लीजिए कोई बालक जो है कभी विद्यालय देर से आया, कोई कार उसको पड़ गया रास्ते में, अचानक मान लीजिए उसकी बाइक खराब हो गई, साइकिल खराब हो गई, जिससे वो आ रहा था उसमें कोई दिक्कत आ गई, तो वो जो देर से आ रहा है तो आप उसे दंडित ना करें, दंड ना दें, उसका कारण पूछ लें और उसको कह दें कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अगले दिन आप टाइम से आइएगा। तो ये परिवर्तन जो है ये NCF में लचीलेपन को दर्शाती है, इसलिए ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता? तो दिशा निर्देश के अनुसरण में यह क्वेश्चन अभी हो चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर में एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? बात आई है प्राथमिक स्तर की, तो बता दें प्राथमिक स्तर में जो शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो होनी चाहिए धैर्य और दृढ़ता, क्योंकि बालक छोटा होता है, उसको कभी कभी कोई चीज़ सिखाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो आपको धैर्य रखना चाहिए, दृढ़ता रखनी चाहिए। नहीं कि आप कहें कह रहे हैं कि बेटा कहाँ से कमल होता है और वो समझ नहीं पा रहा है, दसियों बार आपको समझाना पड़ा, तो आप में खिलचिराहट नहीं आनी चाहिए कुल मिला के कि आप उसे मारने लगें या उसे दंडित करने लगें। इसके लिए धैर्य और दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? बात आई है विशेष आवश्यकता, मतलब ये कहीं ना कहीं जो बालक है ये लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार है, मतलब अधिगम असक्तता की बात कर रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको करना है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग। अब पीयर ट्यूटरिंग का मतलब क्या है? पीयर ट्यूटरिंग मतलब ग्रुप एजुकेशन, मतलब सहपाठियों को बैठाकर उसके मित्रों को एक साथ बैठाकर आपस में चर्चा पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये एक अच्छा अधिगम का प्रोसेस होगा, इससे बालक जो है अच्छी तरीके से उन चीज़ों को समझ लेगा जहां उसे त्रुटि या गलती हो रही है। नोट रखिएगा C4 Chennai एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए? तो जो हमारी समावेशी शिक्षा कह रही है वो कह रही है कि प्रत्येक बालक क्या है, यूनिक है। ऑल चिल्ड्रन इज गिफ्टेड एंड यूनिक, मतलब प्रत्येक बालक जो है तो वो प्रतिभाशाली है। तो विशेष रूप से चाहे ज़रूरतमंद हो या पिछड़ा हो या प्रतिभाशाली हो या कुशाग्र हो, किसी भी प्रकार का बालक हो, हमें दूसरे सामान्य बच्चों के साथियों से एजुकेट करना है। मतलब समावेश का मतलब है समावेश, सबको मिलाकर एजुकेशन देना है, कोई अलग उसके लिए व्यवस्था नहीं करनी। A4 America एकदम करेक्ट आंसर है। जब तक तोड़ेंगे नहीं पेपर को तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्त। इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा क्या कहती है? तो जो समावेशी शिक्षा है ये कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कक्षा में विविधता मतलब हर वर्ग जाति लिंग भेद के आधार पर हमें कोई विभेदीकरण नहीं करना है, ना हमें मानसिक विक्षिप्तता या जो है पिछड़ापन किसी भी प्रकार से कोई विभेदीकरण नहीं करना, सबको एक क्लास में बैठा कर सबको एक जैसी शिक्षा मुहैया कराना, यही समावेशी शिक्षा कहलाती है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक समावेशी विद्यालय में डेड डेस्क के अतिरिक्त लिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। जो एक पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए, तो यह कह रहा है कि हम उस विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्यों से अलग करेंगे, यही गलत है दोस्त। हमें अलग नहीं करना, समावेशी कह रही है समावेश करिए, सबको एक साथ पढ़ाइए, अलग किसी भी को नहीं करना, इसलिए A4 America एकदम सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक समावेशी विद्यालय डैट डैश, तो विशेष रूप से जो समावेशी शिक्षा विद्यालय होते हैं वो कहते हैं शिक्षार्थी की परवाह किए बिना सभी के लिए अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो जब मान लीजिए अगर वो प्रत्येक बालक का ध्यान नहीं देगा तो कैसे वो अधिगम परिणाम को सुधार सकता है, इसीलिए जो ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। हमें प्रत्येक बालक के संपर्क में रहना है, प्रत्येक बालक की कमियों को वीक जो है रीड करना है, कौन सा बालक में किस चीज़ की कमी है उस कमी को दूर करने के लिए हमें प्रत्येक बालक के टच में रहकर उसके बारीक से बारीक पॉइंटों को रीड करना है, देन उस प्रोसेस को सॉल्व करके उसे एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद करना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? तो जो शिक्षा में समावेशन का अर्थ है वो सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा की प्रणाली में स्वीकारना है, यही हमारी समावेशी शिक्षा कहती है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डेट डेस्क के अनुरूप बदलना है, तो जो समावेशी शिक्षा कहती है हमें जो व्यवस्था है वो बच्चे के अनुरूप बदलना है। मतलब जैसा बच्चा कहेगा वैसे हम व्यवस्था अपनी लागू करेंगे। कुल मिलाकर ये बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप ही बात करता है समावेशी शिक्षा। ये नहीं कहता कि हम जो है बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप करें, ऐसा नहीं है। हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप करना है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो जो शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो है कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा जो है समान गति से आगे बढ़ पाए। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसी विधि नहीं बना पाएगा कि बच्चा समान गति से एक साथ सारे बच्चे बढ़ पाए। ये बात गलत है। बी ऑप्शन यहां गलत हो गया। सी क्या कह रहा है? ये सुनिश्चित करता है कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। ये भी गलत है। हम अगर हर चीज डायरेक्शन से पढ़ाएंगे, निर्देश से पढ़ाएंगे, तो उसमें जो सोचने की क्षमता है बालक की वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगी। इसलिए सी ऑप्शन भी सही नहीं है। बात करते हैं डी की। बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, ये गलत है। बच्चे के माता पिता के व्यवसाय से क्या लेना देना है टीचर को? मान लीजिए कोई बालक गरीब घर से आता है या कोई बड़ा पढ़ा लिखा है उसका पिता, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है, सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चों को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। यानी कि ए फॉर अमेरिका एकदम करेक्ट आंसर है। ये सही है। सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बालक को जो उसकी प्रतिभा है उसको इंक्रीज करने का उसे बेहतर मौका और अवसर मिले। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो जो शिक्षक है उसमें धैर्य और दृढ़ता। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही हमें उसको शिक्षा उपलब्ध करानी है। कोई विभेदीकरण नहीं करना, क्योंकि समावेशी शिक्षा ऑल जो इंक्लूसिव एजुकेशन से वो सबको मिलाकर ही शिक्षा देने की वकालत करता है। मेरे दोस्त, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मैं आपको कुछ थ्योरी भी बताता हूँ, देख लीजिए। जल्दी जल्दी देखते हैं। इंटरेस्ट यानी कि जो रुचियाँ होती हैं वो जन्मजात होती हैं, अर्जित भी होती हैं। जन्मजात जो रुचियां होती हैं वो खाना पीना खेलना रोना हंसना, ये जन्मजात हैं। और जो हम गुण सीखते हैं, जैसे अपने से बड़ों का सम्मान करना, नैतिक मूल्यों का जो है पालन करना, अहिंसा के पुजारी बने रहना, ये क्या है? ये संस्कार अर्जित किए जाते हैं डियर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन लैटिन भाषा के शब्द मोटेम से बना है, जिसका जो अर्थ है वो है गति देना होता है। अभिप्रेरणा से अभिप्राय व्यक्ति में अंतर्निहित आंतरिक शक्ति से है, उसे कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन प्रदान करता है, प्रेरित करता है, उसमें उत्प्रेरण शक्ति का विकास करता है मोटिवेशन, याद रखिएगा। अगर मोटिवेशन के प्रकार, अभिप्रेरणा के प्रकार की बात की जाए, तो आंतरिक अभिप्रेरण, जन्मजात अभिप्रेरण, या इसे हम प्राथमिक अभिप्रेरण या जैविक या सकारात्मक अभिप्रेरण भी कहते हैं। इसे करने के लिए स्वयं प्रोत्साहित होता है, जैसे अपनी मर्जी से बालक करता है। भूख प्यास नींद काम मलमूत्र त्याग, ये सब क्या है? ये आंतरिक अभिप्रेरण है, इसे बालक अपने ही मर्जी से करता है। अर्जित अभिप्रेरण की बात करें तो वाह्य प्रेरणा है, एक तरीके से इसे हम कह सकते हैं कि दूसरों की इच्छा से की जाती है। वाह्य प्रभाव के कारण जो हम समाज में आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जब हम उसको फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं, तो ये क्या है? ये एक अर्जित अभिप्रेरण है। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। मैस्लो के अनुसार तो जन्मजात और अर्जित होती है। थॉमसन ने इसे स्वाभाविक और कृत्रिम बताया है अभिप्रेरणा को। प्रेरक वे होते हैं जो ऐसी इच्छाएं जो काम करने के लिए मजबूर करती हैं वो प्रेरक कहलाती हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत आवश्यकता चालक प्रोत्साहन होती है। जब आवश्यकता आवश्यकता भी जैविक और सामाजिक होती है। जैविक में भोजन जल हवा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन सामाजिक में क्या है? हम सामाजिक वातावरण में ये सोचते हैं कि हमारी जो मान प्रतिष्ठा है वो कैसे इंक्रीज हो, कितनी ज़्यादा ज़्यादा डेवलप्ड कर लें, ये सामाजिक आवश्यकता कहलाती है। अंतर्बोध, ये शारीरिक अंतर्बोध, भूख काम नींद होती है। मानसिक अंतर्बोध सम्मान प्रतिष्ठा और स्नेह, जो अभी आपको बता चुका हूं। बात करते हैं प्रोत्साहन की। तो प्रोत्साहन जो है भोजन पानी पुरस्कार भी होता है, और दंड आलोचना से भी हम प्रोत्साहित करते हैं। अभिप्रेरित जो होते हैं वो जन्मजात अर्जित वही चीजें हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न अगले टॉपिक की। तो अब्राहम मैस्लो का जो आवश्यक पदानुक्रम का सिद्धांत है, उसमें जो पहले नंबर पर है वो शारीरिक संबंधी आवश्यकता है, फिर दूसरे पर सुरक्षा है, फिर प्रेम तथा स्नेह है, फिर आत्मसम्मान है, फिर आत्मसिद्ध संबंधी भाव है, जो कि सबसे उच्चतम स्तर में है। आत्मसिद्ध संबंधी भाव में
कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, जैसे महात्मा गांधी थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम लोग थे, ये आत्मसिद्ध संबंधी भाव में पहुंचे थे। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक कह रहा है स्मृति के प्रकार। तो स्मृति जो है अल्पकालिक होती है, किसी तथ्य या सूचना को याद करने में पूरा जो है हम पुनः जो है तुरंत, मतलब जब आप तुरंत सुना देते हैं किसी चीज़ को तो वो क्या है, अल्पकालिक होती है। दीर्घकालिक, लंबे समय तक जिस चीज़ को हम याद रखते हैं वो दीर्घकालिक कहलाती है। बात करें अगर अगले पॉइंट टॉपिक की, तो चिंतन है। चिंतन मैं आपको बताती हूँ, प्रत्यक्षात्मक, कल्पनात्मक, प्रत्यात्मक और तार्किक। इनमें जो सबसे अच्छा चिंतन होता है वो जो होता है वो तार्किक चिंतन होता है, इसे उच्च कोटि का चिंतन कहते हैं। ये केवल किशोरों में पाया जाता है। जब अवस्था आपकी ज़्यादा होगी तभी आप में जो थिंकिंग एबिलिटीज है वो इंक्रीज होगी। दोस्त बात करें अगर आप सारी चिंतन की, तो इसे आउट ऑफ द बॉक्स कहा जाता है। अभिसारी चिंतन, इसमें लिमिट में चिंतन होता है, ये एक बंद प्रकार का चिंतन है। जबकि अपसारी जो चिंतन है ये एक खुला प्रकार का चिंतन है, इसमें सोचने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है। बात करें अगर इमोशंस की, संवेग की, तो विशेष शारीरिक लक्षणों द्वारा भावों को व्यक्त करना ही क्या है, संवेग है। बुडवर्थ ने कहा था कि संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश में आने की क्या है, स्थिति है। जबकि रास जो है इसे भावात्मक, क्रियात्मक तथा ज्ञानात्मक मानते हैं। और गेट्स ने 5 प्रकार बताए हैं संवेग के, भय, क्रोध, प्रेम, दया, कामुकता। और मैकडूगल, जिन्हें आप संवेग का जनक भी मानते हैं, इन्होंने 14 संवेग बताए हैं। मूल प्रवृत्तियों की ये जनक माने जाते हैं। अगर हम बात करें सिगमंड फ्रायड की, तो इन्होंने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 2 बताई है, जन्म और मरण, यानी कि एरर एंड एरोस एंड थेनाटोस, ये भी आप नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, तो अगला जो है वो कह रहा है थार्नडाइक ने बुद्धि 3 प्रकार की बताई है, अमूर्त, यांत्रिक और सामाजिक। और गैरेट ने भी अमूर्त, मूर्त और सामाजिक बताई है। यांत्रिक का गैरेट ने मूर्त कर दिया है, जबकि मूर्त को भी हम यांत्रिक के नाम से ही जानते हैं। तो थार्नडाइक और गैरेट के जो बुद्धि के प्रकार हैं उनमें कोई अंतर नहीं है, यानी ये दोनों जो है वो सिमिलरिटीज होते हैं। बात करें अगर अधिगम के वक्र की, तो ये उत्तल, अवतल और मिश्रित, इसे हम उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित के नाम से भी जानते हैं। उन्नतोदर में पहले जो सीखने का वक्र है वो उन्नत पे होता है, मतलब ऊपर होता है, बाद में नीचे घटने लग जाता है। नतोदर में पहले नीचे होता है, फिर जो है ऊपर अप करता है। और मिश्रित में कभी घटता है कभी बढ़ता है, इसका नाम ही है मिश्रित। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। और इसके पहले मैंने आपको धुआंधार 30 प्रश्न भी कराए, जो कि समावेशी शिक्षा को से संबंधित थे, जो कि आपको आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो देखने को जरूर मिलेंगे। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो इस चैनल पर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक करें दोस्त। और सब्सक्राइबों की संख्या थोड़ा बढ़वाएं, ताकि हम आपसे लाइव रूबरू हो सकें। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप पेपर की खोपड़ी को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इसी आशा के साथ जल्द ही आपसे मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।